अपने हक लैन लई भगवंत मान की कोठी के मूहरे आया सी प्रशासन ने मार मार के लक दूरा कर दिता ओदियां हड्डियां टुट गईयां ने ते इस वेले उन्हूं हॉस्पिटल दे विच इलाज लई लिया जा रहा। इस तों निकम्मी सरकार ये जिहड़ा कहिंदा सी कि असीं रंगला पंजाब बनाउणा है, आह वेखो रंगला पंजाब इहदा जिहड़ा कहिंदा सी कि नौजवान बाहरले देशों तों आ के इत्थे रुजगार लैणगे। आह 17-17 साल तों सानूं 1 साल हो गया जी सरकार आइआं नूं साडी तनखाहां रोली मजबूर कर दित्ता है, 1 रुपया वाधा नहीं कीता साडी तनखाह दे विच। ते अज वेखो साडे साथियां दे बुरे हालात करदे ने इत्थों दे प्रशासन ने। रुपिंदर सिंह राजा मोगा जी दी के हालात देखो, इस सरकार ने की कर दी है, अज उहदी रीढ़ दी हड्डी टुट चुकी है ते उहनूं चुक्या भी नहीं जा रहा, बेहोश हो के उहनूं इस टाइम पता नहीं वह मर रहा है। वह इस वेले मरन दी हालात दे विच जे साडे साथी नूं कुछ भी हुंदा है ते इहदा जिहड़ा पूरे का पूरा जिम्मेवार भगवंत मान सरकार होगी, संगरूर प्रशासन होगा, संगरूर के डीसी साहबान होणगे। पक्के करांगे ना तो सानू इन्नी सरकार आ गए ना सानू पक्के किया ना साड़ी तनखा वधाई साढ़े 6-6 हज़ार तनखा गई। हूँ बिच मेरे भैया चलो है घर वाले परमात्मा ने रंग भग लावे बिचे हजे विधवा भी ने मेरे वर्गियाँ वो 6 हज़ार चो घर तोरनगे आपका जब आप इलाज करा जब तक कुछ बच्चों को किमें ब्याह गियाँ वो किमें 6 हज़ार चो कर भगवंत मान कसूर है सारा। मैं तो सिर्फ भगवंत मान को कसूरवार जानती हूँ क्योंकि जो साड़ी गरीबा दी सुने तो साढ़े नाल ये कुछ ना हो पहले तो साढ़े सारे नाल यही कुछ होंदा है। पहले भी लड़ लाइया होंदिया आईया पहले साढ़े डिस्पेंसरी च होंदिया आईया हुण साढ़े सरकारां करदियां साढ़े नाल लड़ लड़ाइया। इस करके जो सरकार साड़ी सुनती हो गरीबा की तो सू पक्के कराया जाए जो साड़ी तनखा बधाई पहले डिस्पेंसरी तो बंद करी जाए दवाइया तो उत्थी नहीं आ रही जो दवाइया इन्नी दवाइया देने का शौक है तो दवाइया उत्थी दे दान वो दवाइया पुरानी डिस्पेंसरी बंद करके नवी खोल रहे ने। पहला हूँ तो कहें असं माँ बाप न बहरे ना क्डो माँ बाप भी अपनी डिस्पेंसरी भी रुजगार अपना माँ बाप है उन्होंने तो बंद कर रहे हैं नवी होर खोल रहे ने वो भी फिर कादे वास्ते खोल रहे ने जां फिर नवी भर्ती कर लैन साडे गरीबां दा क्यों गल पोड़दे ने। हुण असीं तनखाह 6 हज़ार तनखाह गई बिच दे नेड़े ने बिच दूर ने 3-3 हज़ार रुपया तनखाह लैके बच्चों नूं की खर्चा तोरनगे 3-3 हज़ार रुपया खर्चा आ जूगा वो चे 6 हज़ार चो चुल्हा तोरनगे की करनगे। बस भगवंत मान इन्ना कहना चाहिए जो साड़ी तनखाह वधाउण जां सानूं पक्के करन सानूं सानूं जहर दे देण आके असी जहर खा के मर जाएंगे क्योंकि 3-5 हज़ार तो साड़ा चूल्हा नहीं तुरदा ना साड़े बच्चे व्याहे जाण ना साड़े चूल्हा तुरदा साड़ा। असी मेरा वरिंदर जी ना रूरल फार्मेसी ऑफिसर हैं पंजाब तो असी पिछले 17 सालों तो काम कर रहे हैं पिंडां दी डिस्पेंसरियां दे विच बहुत ही घट तनखावां दे विच असी सेवा निभा रहे सी और करोना दे टाइम असी वध चढ़ के ड्यूटियां कीतियां हैं और सरकार ने साडे नाल वादा कीता सी बन तो पहला भी असी तुहानूं रेगूलर करांगे और अज देखो हुण साल हो चला सरकार बनी नूं भी हाले तक साडी जिहड़ी तनखाह बहुत थोड़ी आ और हुण महला क्लीनिकां दे विच ड्यूटियां लगा रहे आम आदमी क्लीनिक च ड्यूटी लगा रहे आ 27 तरीक नूं और 27 तरीक तो जिहड़ियां ड्यूटियां लगा रहे आ सानूं उस तनखाह दे विच साडे बंदियां दी जे साथियां दी ड्यूटी आ ਉਹ 40-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੂਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 11,000 ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਕੁਅਲ ਵਰਕ ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਵਰਕ ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ।